सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आज हमारे साथ फीचर माई कार में है नई वाली Hyundai Verna, वो भी काले रंग में। तो जिन भाई की गाड़ी, सबसे पहले मैं उनका नाम जो है आप लोगों को बताता हूँ। हाय, मेरा नाम चिराग है। ठीक है भाई, चिराग भाई है, अशोक विहार से आए। हमारे दूसरे भाई क्या है? मेरा नाम आशीष। आशीष भाई हमारे साथ है, अशोक विहार से। मेरा नाम है देव। ठीक है भाई, देव भाई है हमारे साथ, ये भी भाई अशोक विहार से। मैंने अशोक विहार क्यों बोला, क्योंकि अशोक और भाई दूर है द्वारका, मतलब आना तो भाई ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। ठीक है, अभी हमारी जो लोकेशन है ये सेक्टर 11 वाली लोकेशन है, थोड़ी सी प्लेजेंट है, ऑल दो धूप वाइज प्लेजेंट नहीं है। लेकिन भाई ने बोला कि भाई आज आप लोगों को जो है मॉडिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही साथ में क्या क्या चीज़ें जो है एक्सपीरियंस रहा है। कब लिया आपने गाड़ी पहले, ये बताइए। ये गाड़ी मेरे को लिया है बस एक महीना हुआ है। एक महीना हुआ है, ये कौन सा वेरियंट है थोड़ा बता दीजिए। ये मेरा SX है, मैनुअल। SX मैनुअल, मतलब टॉप में ऑटोमेटिक आता है, टॉप में मैनुअल। अच्छा, ऑटोमेटिक क्यों नहीं खरीदा, मैनुअल क्यों खरीदा? ऑटोमेटिक एक्चुअली ये था कि बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ता, और क्या करता हम ऐसे है, रात को रोज गेड़िया मारने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है क्या उसमें एवरेज कम निकलती है, ऐसा कुछ है? मतलब ऐसा है कि 700 से 800 ऊपर एवरेज जाती नहीं मेरे हिसाब से। क्या बात कर रहे हो, ड्राइविंग जिस हिसाब की हम करते हैं मेरे हिसाब से ऊपर जानी नहीं चाहिए। नहीं यार, हो जाए बता, नहीं ये आप बता रहे हो। और वैसे उसमें कितने निकलती है? इसमें मेरी अभी तो 11 आ रही है। 11 आ रही है, और बढ़ेगी, बढ़ जाएगी चलाने के ऊपर है। चलो भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है, चलाने के ऊपर ही 11 आ रही है, तो 15 आ जाए। ठीक है, 15 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो नेक्स्ट चीज जो है भाई, हम गाड़ी के सामने वाले लुक की तरफ में आ चुके हैं। सबसे पहली चॉइस जो मैं जानना चाहूंगा भाई, वरना ही क्यों, मतलब इस प्राइस रेंज में होंडा सिटी भी मिलती है, वरना भी मिलती है, और भी गाड़ी मिलती है जो थोड़ी ऊंची मिल सकती है, लेकिन वरना लेने का क्या रीजन है भैया? ऐसा है, ये गाड़ी देख के हर कोई पलटता है, मेरे को देख के एक बार को नहीं पलटेगा, लेकिन इस गाड़ी को देख के जरूर पलटेगा। ठीक है, मतलब ये एक काले रंग के अंदर भी इसका अलग लुक है। ये काले मतलब बेस्ट है, मेरे को यही ऑप्शन था कि उसके पास व्हाइट भी खड़ी थी, मैंने उसे पहले बोला मैंने मैं फालतू पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे ब्लैक ही चाहिए। वेरी नाइस भाई, ये चीज आप लोगों देखा। और आज के टाइम पे ना थोड़ा सा एक खेल भी चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे शोरूम वाले इतनी मेजर वेटिंग डाल रखी है ब्रांडों ने, सबने लुधियाना से लेगा, और वेटिंग चल रही है जबकि गाड़ी अवेलेबल हो रही है 6-6 महीने की वेटिंग है, क्योंकि अब भाई वो थोड़ा पैसे वाला खेल शुरू हो गया ना, तो सबके सब लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, वो चीज चलती रहती है। बाकी अगर आप गाड़ी के बारे में बात करते हो, अगेन ये आप लोगों का SX वेरिएंट है, इससे टॉप में क्या आता है जो इसके अंदर नहीं आता है? इससे टॉप में आता है ऑटोमेटिक है वो बस, और उसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, और उसमें AC इसमें ऑटोमेटिक है, इसमें ऑटोमेटिक। ठीक है भाई, तो इतना मेजर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिन जिन लोगों को नहीं पता है वरना जो है भाई अपनी फर्स्ट के जो मतलब कहते हैं ना जनरेशन से लेके अभी तक में उसने जमीन आसमान का फर्क देखा है। अगेन जिससे इसका गेम बना था वो फ्लूडिक था, जो फ्लूडिक डिजाइन होता था जिसमें बोलते थे ना भैया वो आग की तरह गाड़ी भाग रही है, और ये गाड़ी एक लौती ऐसी गाड़ी थी जो ट्रैक में जब चलाई जाती थी, ट्रैक के अंदर भी जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया तो उनका बहुत ही जबरदस्त वाला रिस्पॉन्स था। सबसे पहली चीज, अगर आप नॉर्मल इंसान वाले तरीके से बात सोचते हो कि भैया हेडलाइट के अंदर क्या लगा सकते हैं, हम लोग HID रिकमेंड करते हैं। आपने LED लगाई है, क्या लगाई है? LED लगाई है। अब ये मिथ भी है एक लोगों के दिमाग में कि भैया प्रोजेक्टर के अंदर केवल HID काम करेगी, LED काम नहीं करेंगी। मैं भी एक टाइम तक ये सोचता था कि HID बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट देती है, जो कि मुझे आज भी लगता है कि आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जिनको तेज फ्लैशर चाहिए यानी कि इंस्टेंट जिनको डिपर मारना होता है उनके लिए LED है। इसके अंदर पावरफुल LED लगाई हुई इन्होंने, कहने के लिए मार्केट में 180 200 250 130 बहुत चल रहा है भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मैनिपुलेशन का और मार्केटिंग का स्टाइल है जैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी इस गाड़ी की ग्रिल विल भाई, वो इसमें वो ब्लैक वाला चल नहीं रहा लुक आजकल की, वो जो लुक करा लेते हैं चल रहा है, लेकिन क्रोम थोड़ा सा रहना चाहिए ना। ये क्रोम मतलब ये पर्टिकुलरली पूरा क्रोम नहीं है, ये क्रोम था या मतलब ये थोड़ा ऑफ डल हो गया, ऑफ मैंने कर मतलब ऑफ करा रखा है, इसमें स्मोक करा रखा है, स्मोक करा रखा है ना, वही चीज है, और अच्छा लग रहा है भाई। आप लोग भी चाहो तो आप करा सकते हो। इसी के साथ में आप बोलोगे कि भाई ये कंपनी कब से स्कर्टिंग देने लग गई है, तो ये आप लोगों की फ्रंट स्कर्टिंग है जिसको आप लोग 3 पीस के अंदर ऑब्जर्व करते हो, उसके नीचे नट लगे होते, अगर गाड़ी कहीं टच हुई है टूट सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप लोग लुका लाइक बात करते हो कि हाँ भाई कैसा लुक लग रहा है, तो आपको एक स्पोर्ट्स कार वाला लुक दे देती है। बहुत प्यार से निकालनी पड़ती है भैया, बहुत प्यार से, इन्होंने लोग और लो भी हो रखी है तुम्हारी गाड़ी, मैंने नीचे भी बैठा रखी है गाड़ी, और ऊपर से ऐसा है कि अगर गड्ढे में लगेगी तो तरी जाएगा। अच्छा, एक चीज वैसे बताओ कि लो होने से पहले का क्या एक्सपीरियंस था? लो होने से पहले तो ये था कि अगर मैं इधर उधर लेता तो हल्की फुल्की इधर उधर भागती थी, लेकिन अब बिल्कुल हिलती नहीं है गाड़ी, बिल्कुल मतलब चिपक के चलती है। भाई क्या रिस्पॉन्स है दोस्त दोस्त जब तुम निकलते हो तीनों रात को पार्टी करने के लिए, तो तब ये रोड पकड़ के चलते कि नहीं चलती है? मजा आया था बिल्कुल, कटिंग करते हुए बिल्कुल मजेदार। तो मैं टॉप स्पीड तो नहीं पूछूंगा, तुमने भगा तो ली होगी मुझे पता है, लुधियाना से गाड़ी लेके आया तो टॉप स्पीड तो तुमने टेस्ट कर ली होगी। ठीक है, इसकी फॉग लाइट क्या है, मतलब स्टॉक है, कुछ चेंज कराया इसमें भी? ये स्टॉक ही रखी, येलो है व्हाइट है, ये व्हाइट ही आती है, तो पूरा आपका व्हाइट वाला जो है मिक्सर इसमें बन चुका है। फ्रंट से आप लोगों को गाड़ी कैसी लग रही है जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस गाड़ी के अंदर इन्होंने PPF भी करवा रखी है। अगेन आप लोगों को TPU TPS जो हम इतनी चीजें बताते हैं, कई सारे लोग बहुत सारे अलग तरीके की चीजें करते हैं, आप लोगों को करवाने का फायदा है कि नहीं PPF? मैं तो कह रहा हूँ बहुत फायदा, बहुत फायदा है, मतलब गाड़ी ऐसी है कि नई कंडीशन जैसी रहेगी, नई कंडीशन ऐसा है, स्क्रैचलेस गाड़ी रहेगी, अगर हल्का फुल्का स्क्रैच भी आ जाता है
तो मेरे हिसाब से वो टाइम टू टाइम वेव ऑफ हो जाता है। ठीक है भाई, कुछ कुछ जो आप लोगों की पीपेप आती है वो सेल्फ फीलिंग के साथ में आती है। सेल्फ फीलिंग का क्या मतलब होता है, जितनी ये धूप दिल्ली के अंदर इंडिया के अंदर पड़ती है इसमें अगर आपके माइनर स्केचेस होंगे, ऐसा नहीं कि आप रगड़ के चले जाओगे, माइनर स्केचेस जो होते हैं वो अपने आप ही धूप से हट जाते हैं। अब इस गाड़ी का अगर आप लोग साइड पोस्चर के बारे में बात करते हैं या साइड वाले स्टैंड के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसी चीज के लिए दीवाने हैं, स्पेशली मेरा हरियाणा उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा जो है इसके लिए पागल है। उसका एक रीजन भी है भाई, हम लोग भी इसके लिए पागल है। उसका रीजन यही है कि भाई इस गाड़ी का जो स्टांस है वो बहुत ही जबरदस्त है और साइड से मतलब इस गाड़ी को देखता है थोड़ा सा गैंगस्टर वाली फील आती है, है? गैंगस्टर फील है थोड़ी सी, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि गैंगस्टर वाली गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गैंगस्टर फील है। एलॉय व्हील्स के बारे में बात करोगे, इसके अंदर X2 लिखा हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा भाई क्या एलॉय लगे हुए, कितने इंचेस के क्या है? ये मेरे 17 इंची के एलॉय है, मर्करी मैंने करोल बाग से लगाए हैं। ठीक है, और ये साइज क्या है टायर का? ये साइज है मेरा 205। और आगे C8? नहीं नहीं, C8 के तो है, 205 के बाद मैं देखूं। 245 कितना है? 245 है। ठीक है भाई, 45 की जो है भाई ने इस पे कंफर्ट लगा रखा है। जिन जिन लोगों को नहीं पता है 45 का मतलब क्या होता है, 45 का मतलब होता है कितना कंफर्ट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। तो वैसे रिकमेंडेड कंपनी कहती है 65 लगाओ, 55 लगाओ, लेकिन अगेन जब आप लोग लोअरिंग के लिए जाते हैं या फिर अगर आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो आपका लुक भी निकल के आता है। साथ ही में आपकी गाड़ी अगर आप साइड से देखोगे तो भाई के टायर हल्के से आप लोगों को जो है बाहर निकले हुए देखने को मिल जाएंगे, यही वो होता है जो चीज देखने को मिलता है। अलॉय व्हील भी काफी अच्छा लग रहा है। ये सेम ही कलर है, कराया पेंट? नहीं, सेम कलर का आता है। ठीक है, बाकी अगर इस गाड़ी के बारे में आप लोग बात करते हो, जैसे आप लोगों ने फ्रंट स्कर्टिंग देखा था, साइड स्कर्टिंग भी करा रखी है। अब ये शीशे पता नहीं भाई ने काले करवा रखे, हम लोग नहीं बोलते, भाई ने करवा रखे, अपनी चॉइस पर्सनल। ठीक है भाई, आप मत करवाना, इसकी जगह आप शेड लगवा लो भाई, थोड़ा दिल्ली में दिक्कत ज्यादा चलती है। और भाई मतलब तंग होते हो भाई? तंग होते हैं, आप बात करने के ऊपर है, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगे कुछ कहता नहीं। चलो भाई अच्छी है, मतलब दिल्ली पुलिस इज गुड भाई, वो तो है ही भाई, ठीक है। आप लोगों को आ जाओ पीछे की स्टांस की तरफ। तो जैसा मैंने आप लोगों का भाई की गाड़ी अभी मात्र 2600 किलोमीटर चली है, 2600 किलोमीटर से गाड़ी चली है, पहली सर्विस होके आ चुकी है। और एक्सपीरियंस कितना था, कितने पैसे लगे भाई पहली सर्विस में? पहली सर्विस जीरो अमाउंट की होती है, जीरो अमाउंट की थी वो, उसमें बस उन्होंने ओबीडी लगा के उन्होंने वो स्कैन वैन किया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कुछ लोग ना इस चीज को भी मिथ बनाते, कहते हैं पहली सर्विस में ना वो थोड़ा ऑयल कम डाल के देते, फिर बाद में ना ऑयल थोड़ा डाल देते, ऐसा नहीं होता भाई, ये मिथ है। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से बातें बनाते, कोई कंपनी अपनी गाड़ी में कम ऑयल क्यों डाल के देगी यार, कंपनी पूरा ऑयल डाल के देती है। बस यही होता है कि अगर बाय चांस फर्स्ट सर्विस के अंदर आपके ऑयल थोड़ा सा भी कम होता है तो उसको कंपनी फिर से रिफिल कर देती है, ठीक है, ये चीज होती है। इसी के साथ में आप लोगों को रियर में जो जितने भी लोग मेरे लिप स्पॉइलर के लवर है, जिन लोगों को पसंद है, ये भाई ने M3 टाइप है ना भाई? मेरा M3 टाइप है एक्चुअली, ये दोनों मान नहीं देते मेरे को, उसमें GT लगवाना था खड़े वाला। अच्छा GT खड़े वाला, लेकिन ज्यादा अच्छा ये लग रहा है भाई मेरा अभी, फिर भी मैं एक बार लगा के। वैसे एक दूसरा भी आता है, हमने भी एक बार BMW के अंदर लगाया था, वो भी अच्छा लगता है, वो पतला लिप स्पॉइलर होता है, अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनली डिजाइन वाइज थोड़ा एरोडायनामिक लग रहा है, बढ़िया से लग रहा है देखने में ना, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का जो है टेप से लगाते हैं, अगर आप लोगों को कोई अच्छा इसका जुगाड़ चाहिए हो तो, जिससे सीलेंट नहीं होता, जिससे आपके शीशे चिपकते हैं, तो अगर आप उससे एक बार बुटाइल से लगा दो इसको, ये एकदम पकड़ बढ़िया सी बना देता है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया पूरी गाड़ी जो है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है PPF से, तो आप लोग ये चीजें ट्राई कर सकते हैं और आपकी गाड़ी के ऊपर हार्म भी नहीं आता कोई, ठीक है। इसी के साथ में ये आप लोगों का बेसिकली स्पॉइलर वाला लुक कह लो या फिर इसको हम लोग लाइट वाला कहते हैं, ये भी आप लोगों का एक पार्ट आता है, ठीक है। दोनों के जो आता है ये कॉम्बो भी आप लोगों को मिल जाता है, आप लोग लगवाना चाहे लगवा सकते हैं। अब जो मेन चीज है आप लोग यहाँ पर देखोगे, इस गाड़ी के अंदर ऑडियो सेटअप हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा समझाओ जरा क्या है भाई, पढ़ के मत बताओ मैं वैसे बताओ। मेरा ऐसा ऑडियो सेटअप, मैंने इसमें मिड रेंज डलवा रखा है, मिड रेंज डले, ठीक है, पीछे 15 इंची का वूफर है, लोग वैसे 12 डलवाते, मैंने 15 डलवाया, 15 डलवाया। अब 15 डलवाने के बाद थोड़ा सा पावर गेन के साथ में और जो कहते हैं ना कि थोड़ा आपकी बैटरी की जो लाइफ है उसके ऊपर हल्का सा फर्क आ जाता है, ठीक है। ये आपका 15 इंची का है, ब्रांड आप लोग खुद देख सकते हो, हम लोगों ने बहुत आप लोगों को दिखाया है इस ब्रांड के बारे में। इस गाड़ी में मिड रेंजेस डले हुए हैं, इस गाड़ी के अंदर एक एम्पलीफायर आपका 4 चैनल का है, एक मोनो भाई ने इंस्टॉल करा रखा है, वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है? दोनों आगे सीट के नीचे, आपकी सीट के नीचे, ठीक है भाई। और बाकी आप देख सकते हो भाई जो है जिम जाते हैं तो प्रोटीन भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाड़ी डैम भी हो रखी है भाई, अच्छे से पूरा डैम भी भाई ने करवा रखा है, और आई गेस ये इरेडियम है, ठीक है, डॉक्टर आर्टेक्स वाली जो आप लोगों की डैम्पिंग आती है, अच्छी डैम्पिंग कर रखी है। अब ये इस डैम्पिंग को कराने के बाद क्या होता है ना, ये बहुत जोर से बंद हो रहा है, ये बहुत जोर से बजने लग जाता है। पापा और मेरी लड़ाई हुई, मैंने आराम से बंद कर लो, गाड़ी बंद नहीं हो रही, ऊपर से लाके तैर नीचे देखे। तो यार वो हाथ से छूट ही जाता है, कितना भी बंदा अच्छे तरीके से कर ले। अब थोड़ा सा अंदर बैठते, आओ भाई सबके सब एक बार बैठते भाई। सबसे पहले तो टेस्ट जो मैं टेस्ट कराना चाहूंगा भाई, आप गाड़ी ऑन कर दो क्योंकि भाई लोग अंदर बैठेंगे गर्मी हो जाएगी ना। तो अभी भाई आपकी हाइट कितनी है? छह चार है आपकी हाइट। तो भाई आपका हेडरूम का कैसा है, एक बार मेरे को रिस्पॉन्स चेक कराओ पहले, क्योंकि भाई की हाइट के बाद मुझे लगता है भाई लोगों को पीछे दिक्कत होने वाली है। अगर आप देखो ये कंफर्टेबली होके बैठे हुए हैं,
इनका हेडरूम भाई है यार, अच्छा खासा हेडरूम है, हेडरूम अच्छा है, ये पीछे वालों को पास हेडरूम है लेकिन हमारे पास लेग रूम नहीं बचता, लेग रूम नहीं। एक बार जरा आप पहले बैठ के दिखाओ, पीछे पीछे जगह नहीं है बिल्कुल। देखो भाई, ओ भाई साहब ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है भाई, यहाँ पर भाई लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। आप उस तरफ से आके दिखाओ जरा, कितने लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में आसानी से? बस चार पांच आ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, देखो भाई आप लोग तो भाई कंफर्टेबली बैठे, लेकिन भाई वाली सीट भी तुमने इतनी पीछे क्यों कर रखी है? भाई बैठे हुए थे ना आगे, इन्होंने जगह ज्यादा ले रखी थी। अच्छा, तो भाई आप देख सकते हो थोड़ा सा लेग रूम में थोड़ा नहीं ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑल्दो आर्मरेस्ट होने की वजह से मदद जरूर मिल जाती है। तो मैं इसको बंद कर देता हूं, भाई लोग अभी अंदर अच्छे से बैठ गए, अब हम लोग जो है थोड़ा सा अंदर बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों का टॉप एंड वेरिएंट है, जैसा मतलब टॉप एंड से नीचे वाला। अगर आप ऑटोमेटिक ले जा रहे हो तो उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। सबसे पहले भाई टच स्क्रीन का रिस्पांस बताओ, कई सारे लोग कहते हैं कि भैया टच स्क्रीन लैगी है, कुछ ऐसा है प्रॉब्लम? 1% की दिक्कत नहीं है मेरे को अभी तक, तो दिक्कत नहीं है यार फिलहाल मैं चला। ठीक है, वरना में कोई कंप्लेंट जो आपने पढ़ी हो कहीं पर ऐसा आया हो, कुछ ऐसा दिक्कत हो रही है, इंजन बंद हो गया? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 1% की दिक्कत नहीं है मेरे को। गाड़ी सबसे मतलब ऐसा है पीछे से, मैं तो अपने लिए सोची नहीं थी, मेरे को सिर्फ चलाने से बदला था, जब पीछे जो बैठे ना बैठे मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। चलो मैं देख लूं, लेकिन थोड़ा भाई लोगों को तो मना भी करा था कि भाई ऐसे मत ले भाई, पीछे जगह नहीं बचती भी लॉन्ग रूट। तो इसके सिवा और ऑप्शन क्या था? चलो अब जब आप गाड़ी लेने गए थे तो ऑप्शन और क्या था भाई? इसके सिवा तो पापा सीधा कह रहे थे सीएनजी वाले ले, नहीं दिलवाऊंगा पेट्रोल। चलो भाई ठीक है भाई, देख लो भाई ने बिल्कुल। वैसे अगर आप कितने पैसे आपने स्पेंड किए थे गाड़ी ली थी? इसको मेरे को टोटल पड़े थे 1340। 1340 की पड़ी थी। इसमें आपको सेल्टोस मिल सकती थी, लेकिन डीजल मतलब पेट्रोल पेट्रोल वो तो मिल जाती है, मिल जाती सेल्टोस? सेल्टोस आ जाता, बेस वेरियंट आता, बेस वेरियंट आता लेकिन उसमें। और आपको क्रेटा भी मिल जाती इसमें, और कौन सी गाड़ी है? और अपनी सोनेट भी ले सकता था भाई, सोनेट भी ले सकता था। तो सबकी चॉइस तो बनी होगी, लेकिन घर वालों ने बोला नहीं कि यार थोड़ा सा बड़ी गाड़ी ले ले ऐसा कुछ? तो उसके साथ साथ मैं अर्टिगा भी ले आया था, सीएनजी वाली, मैंने आप ये चलाओ ये मैं चलाऊंगा। ठीक है भाई, ये अच्छी भाई चॉइस वाइज है। इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये आप लोगों का अपग्रेडेड वाला इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, ये आप लोगों के माउंटेड बटन वाली पूरी क्वालिटी। भाई सबसे जरूरी चीज, ह्यूंडई के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, मेरी i20 में जब चलाता हूं मेरे को बड़ा मजा आता है। स्टीयरिंग का क्या रिस्पांस है भाई? मक्खन है कि नहीं? बहुत मक्खन है, बहुत मतलब ऐसा है कि फेदर टच है भाई, बहुत बढ़िया। और मैं एक प्लस पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा, भाई की हाइट 6'4" है। मैं पर्सनली मेरे को ऐसा लग रहा था कि 6 से ऊपर वाला बंदा इसके अंदर बैठ नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हो भाई ने कंफर्टेबली बैठे। और आपका व्यू पॉइंट कैसा है भाई? बोनट थोड़ा सा दिखता है कि नहीं दिखता? बहुत माइनर से दिखता है, मैंने नीचे कर रखी है एक्चुअली ना, एज ए सीट मैंने नीचे कर रखी काफी। ठीक है, नहीं तो अगर वैसे उठाओ तो पूरा आपको थोड़ा व्यू आ जाता है, पूरा व्यू। तो भाई के कंफर्ट के हिसाब से तो भाई मेरे को गाड़ी सही लग रही है, आपने चॉइस वाइज अच्छी गाड़ी ली है, क्योंकि थोड़ा जमीन में चिपक के जितनी गाड़ी चले उतना ही मजा आता है ना। इसका बहुत काफी टाइम से मन भी था, ये पहले वरना ही लेने गया था, बट इसके घर वालों ने अमेज दिला दी। ठीक है, फिर दोबारा वरना लेने का आर्टिगा दिलवाई, फिर दोबारा फिर मैं खुद ही लेने चला गया गाड़ी, मैंने तो मैं ही लाऊंगा, फिर मैं वरना ही लेके आया। नहीं नहीं भाई बहुत बढ़िया है। और जैसा आप लोगों को पता है भाई, इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, टच स्क्रीन इसके अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जर लगवाया आता है, ये वायरलेस चार्जर लगा लगाया, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, जिसका फोन है वो लगा नहीं सकता, ये देखो मेरा फोन ही नहीं आया। ओहो, फोन ही बड़ा, वो पूरा अच्छा, ये छोटे फोन के हिसाब से है। तो भाई हुंडई थोड़ा सोचो यार, हम कौन से कोई बोने फोन थोड़ा लेके घूम रहे हैं इसमें। ठीक है, आप लोग इस गाड़ी के अंदर फोन सस्ता लेना पड़ेगा। 6 फीट का गेयर बॉक्स है, आर्मरेस्ट आप लोगों को मिल ही जाता है, ये आप लोगों का जो कूड़ा फेंकने का है कुछ भी आप लोग देख सकते हो, या एस्ट्रे भी बन सकती है जैसा भाई लोग कह रहे हैं, आप लोग कुछ समझ सकते हो। गाड़ी देखो मैं आप लोगों को वैसे अगर 2 सीटर के हिसाब से दूं, क्योंकि मैं भी एक थार चलाता हूं, तो थार भी केवल 2 लोगों की गाड़ी है। तो सेम अगर आप इस गाड़ी के अंदर भी देखते हो भाई, जबरदस्त लेगरूम है। अगेन इस गाड़ी के साथ में अपने भी बहुत अच्छे किस्से है, अच्छी गाड़ी है भाई, चलती बहुत जबरदस्त है। बस हमारे वालों में फर्क ये था कि हमारे वालों में सनरूफ नहीं था, जिस टाइम पे हम वरना में ज्यादा घुमा करते थे, लेकिन अब सनरूफ लगने के बाद में अगेन अब ये थोड़ा सा अटपटा, ये भी सनरूफ है क्योंकि यहाँ वाले बंदे को पूरी सीट पीछे करके चलना पड़ेगा, पीछे वालों की तो रीचेबिलिटी है ही नहीं भाई, पीछे वाले तो मुंडी ऐसे टेढ़ी करके डालनी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चलो भाई कहने के लिए जो है आप लोगों को सनरूफ वाला पूरा चीज मिलता है, ये आप लोगों का IRVM जो है ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकली वाला है, यानी कि अपने आप ही लाइट पड़ती है, डिमिंग हो जाएगा। लाइट जो है भाई ने इसमें LED लगा दी होगी, है ना, ये पहले नॉर्मल वाली आती थी। अब जो नेक्स्ट चीज बचती है वो बचती है भाई इस गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में, कि भैया अगर कोई बंदा इसको परचेज करने का प्लान कर रहा है, सबसे पहले ये वेरिएंट कौन सा है, डीजल है पेट्रोल है, कौन सी गाड़ी? ये पेट्रोल वेरिएंट है, SX है, ऑप्शनल से एक नीचे जो आता है ना मैनुअल में वो। ठीक है, अच्छा वैसे जैसे बोलते हैं लोग कि वरना अगर खरीदनी है तो भैया डीजल में खरीदो, ऐसा है कि नहीं है भाई? बिल्कुल है, मैं खुद प्रेफरेंस करता हूँ डीजल, ठीक है, पेट्रोल में बिल्कुल एवरेज की नहीं है इसमें पेट्रोल, लेकिन आपने क्यों पेट्रोल खरीदी, क्या ये शौक था या फिर आप चाहते थे नहीं भैया मेरे को ज्यादा पेट्रोल लगाना है? मेरा एक्चुअली ये था, पेट्रोल की गाड़ी साइलेंट रहती है, मेरे को डीजल में इतना मजा नहीं आता। चलो ये भाई ने अपना बताया, लेकिन वैसे अगर आप लोग कभी भी प्रेफरेंस वाइज देखोगे क्या चाहिए, डीजल के लिए हमेशा हुंडई जानी जाती है और पेट्रोल के लिए हमेशा होंडा। ठीक है,
ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई को तुमने समझाया था? हमने तो बहुत समझाया था, बट भाई माने नहीं। शौक से बड़ी कोई चीज नहीं। और भाई अगेन बजट की भी एक बात है भाई, अगर अगला बंदा चाहता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे लूंगा मैं वही जो वरना शौक, तो चलाते कितने उसको एक दिन में? ये तो सैटरडे संडे निकलती है, रात की रानी है मेरी, ये रात की रानी है। ठीक है भाई, तो अभी देख लो आप लोग इधर से कितना अच्छा भाई। वैसे ना काले शीशे के लिए कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया यार काले शीशे ऐसे वैसे, लेकिन काले शीशे का एक फायदा है भाई, अब तुम नॉर्मल गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अगर तुम नॉर्मल गाड़ी बैठे तुम्हें बहुत ही तो फ्रंट भी कराने की कह रहा, ये दोनों नहीं मान रहे, कह रहे रहने दे यार फ्रंट मत करा मत करा। नहीं यार थोड़ा भाई लीगल तो नहीं है ना भाई, अब जो लीगल नहीं उस चीज के लिए कैसे बोल सकते हैं ना। बाकी अब जो नेक्स्ट चीज आप लोगों को सुनाने वाले हैं वो हम आवाज सुनाने वाले हैं। अब जितने लोग भी जानना चाहते होंगे भैया एक कंपोनेंट और एक मिड्स में क्या फर्क होता है, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोग देखना चाहो आपके जो मिड्स होते हैं जो कंपोनेंट होते हैं उनके साइज का फर्क होता है, प्लस अगर आपकी गाड़ी में बहुत हाई एंड सेटअप है और आपको थोड़ी सी पैनी आवाज सुनने का शौक है तो आप लोगों को मिड्स के लिए जाना चाहिए। ठीक है भाई, और जितने भी लोग रेंज रोवर से वो सोचते हैं ना रेंज रोवर में हम मिड लगाए, वो अलग चीज होती है भाई, वो मतलब वो होता मिड्स ही है लेकिन उसका सेटअप पूरा अलग तरीके से तैयार होता है। फिलहाल के लिए आप लोग एक बार आवाज का सेटअप जो है सुन। बोला कि जिनको ट्रेबल की ज्यादा शौक है या फिर जिन्हों अगर आपने कभी बुलेट ट्विटर्स देखे तो उनसे जो आप लोगों को रिस्पांस मिलता है, तो भाई पीछे बैठने वालों को थोड़ा चुपता कान में मसाजर चल रहा हमारे पीछे, बेस बड़ी तेज लगती है, लग रहा पूरा वाइब्रेशन पूरा बैक मसाज हो रही है, फिर बैक मसाज हो रही है, बहुत बढ़िया भाई। और कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना भाई, भाई ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। अगेन मॉडिफिकेशन में कितने पैसे लगा दिए लमसम, थोड़ा आइडिया बताओ? मेरा लमसम 3 के आसपास बजट पहुंच गया। 3 लाख रुपए आपने लगा दिए, वर्थ है? वर्थ है। और ये चीज भाई सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाली यही चीज है कि बंदा पूछे कि भैया पैसे लगाए तो कुछ फायदा हुआ है, ऐसे लगा दिया। मेरे को बस इसमें अब एक अपग्रेडेशन ऑर्डर लानी है, मेरे को यहाँ पे बुलेट ट्विटर्स ऑर्डर लाने पॉड के साथ, पॉड्स के साथ लगाना है। ठीक है भाई, तो वो अगर आप लगवाना चाहो लग सकते हो, तो पॉड्स आप बना के जो अच्छे से लगा सकते हो। और पॉड्स लगाने के बाद भाई का जो है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट मैंने भाई को बोला एक रिकमेंड किया, क्योंकि बैटरी भाई कह रहे थे अपग्रेड करूंगा, लेकिन अगर आप बैटरी के लिए चले जाओ, ड्राई बैटरी के लिए चले जाओ, तो सबसे बेस्ट है आपकी गाड़ी की लाइफ बनी रहेगी, है ना, ये एक अपग्रेड जरूरी है। और बाकी हमारे भाई का भी एक YouTube चैनल है, नाम बता दो भाई। देव भाटिया ऑफिशियल। देव भाटिया ऑफिशियल भाई ने अभी स्टार्ट किया, प्यार मोहब्बत फुल पावर सपोर्ट दिखाओ भाई को, और अच्छे से जो है जैसा आपको लगता है वैसा आप लोग प्यार मोहब्बत दिखाओ। बाकी आज के फीचर मैं कार में यही था, आज आप लोगों को हम लोगों ने 2022 की न्यू अपडेटेड फेसलिफ्टेड वाली जो है वरना दिखाई, अगेन इसका भी एक अपडेट अभी आने वाला है। और बाहर देख के मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर बिल्कुल अभी चिल्ड है, लेकिन बाहर निकलते फिर गर्मी हो जाएगी। और भाई लोग आए थे अशोक विहार से, अगर आप लोग भी फीचर माई कार का पार्ट बनना चाहे आप लोग हमें मेल कर सकते हैं musafircars@gmail.com, हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में जिसका नाम है musafir8811, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को सब कुछ जो है हम लोग हेल्प कर देंगे। और बाकी आज की वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, भाई की गाड़ी का नंबर आपने देख लिया कहीं पर भी दिख जाए ऐसे थम्सअप कर देना, वैसे INDI की नंबर प्लेट लगी होगी आगे भाई ने अभी के लिए लगाई है, लेकिन आप लोगों को जैसा लगे तो भाई को प्लीज थम्सअप कर दीजिएगा। जितने भी लोग अशोक विहार रहते हैं भाई को जब भी आप लोग देख लो तो बोल देना कि हाँ भाई बहुत बढ़िया गाड़ी बना रखी है, और आप लोग भी जो है इंस्पिरेशन लो, अच्छी चीजें लो, और जैसा मैंने आपको बताया वरना लेनी है डीजल में लेना ठीक है, भाई का शौक था लेकिन वरना जो है वो डीजल में आप लोगों को जो है डीजल कार्स उनकी एवरेज देती है मेन, अगर आपका एवरेज कंसर्न नहीं तो फिर तो आप जो लेना चाहो वो आप लोग ले सकते हो। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम मुसाफिर तगैरा, फेसबुक मुसाफिर कार्स। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग, एंड एक बार ऐसा कर दो भाई, बाय 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 बाय।